टू अनदर ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और 10 नहीं अभी 10 बजने वाले हैं। नहीं नहीं 10 बज चुके। अच्छा बज चुके। हाँ ओके। और अभी हम लोग मैं नाश्ता करने वाला हूँ, मम्मी मेरे को सर्व करेगी। और नाश्ते में क्या है मम्मा? आज है आलू की भुजिया ओपी और घी वाली रोटी। बहुत मस्त गाइस, एकदम सिंपल ब्रेकफास्ट है आज का। सिंपल एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड क्विक एंड इजी रेसिपी। और ऐसा ब्रेकफास्ट जब कभी लेट हो जाता है तो फिर इस तरह से बना लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। खासकर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें तो बहुत 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 ही पसंद आएगा, मैं गारंटी लेती हूँ। इसलिए कि मेरे घर में जो बच्चा है उसे भी पसंद है। तो बस मैं आज यही बना रही हूँ, अब देखती हूँ। अभी तो बहुत सारे काम बाकी है, मैंने झाड़ू लगा दिया है और बस और नहीं कुछ किया है, सिर्फ झाड़ू ही लगाया है। ये देखिए यहाँ का मौसम कितना ख़राब हो रखा है, ये देखिए कितनी बारिश हो रही है, ये देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लग रहा है कि बिल्कुल बारिश आ गया है। और खैर ऐसे मौसम में तो कुछ खाने का मन करता ही करता है। तो ये देखिए मैंने क्या बनाया है, मैंने बनाया है पापड़ी चाट। तो हम लोग ये पापड़ी चाट इंजॉय करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ सब्जियाँ ऑर्डर की थी और वो अभी अभी सब्जियाँ डिलीवरी बॉय ने हमें देकर गया है, तो जिसकी वजह से ऐसे तो बहुत सारे सामान थे जो कि कुछ डब्बों में रखने थे, कुछ फ्रिज में रखने थे, तो वो सारे तो मैंने रख दिए। बट जो ज़्यादा मुसीबत होती है वो देखिए ये है, ये सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स। तो बस अभी अभी मैंने इन सब सब्जियों को धो लिया है और धो के यहाँ पे ये देखिए डाइनिंग टेबल पे फैला दिया है सूखने के लिए। और ये देखिए ये आप सोचेंगे कि भिंडी बीन्स और ये हरे वाले मटर, इसे हम लोग मटर छेमी बोलते हैं, तो ये सारा मिक्स क्यों होते हैं, इसलिए कि इन तीनों को ना मैंने एक साथ ही धो दिया था। तो धो के मैंने यहाँ पर ऐसे फैला दिया है ये देखिए। और जब ये सूख जाएंगे ना और मैं इनको फ्रिज में स्टोर करूँगी तो इन सब को फिर मैं अलग अलग कर दूँगी। और उसके बाद ये देखिए ये है धनिया पत्ती, टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, खीरा, कद्दू, आलू, प्याज, वो मैंने उसके बास्केट में डाल दिया। और कुछ फ्रूट्स मैंने ऑर्डर किए हैं, कुछ तो हमने खा लिए, केले थे वो हमने खा लिए, और जो पपीता है उसे मैंने काट के फ्रिज में रखा हुआ है। और ये है संतरे, अनार और ये एप्पल, ये सारा चीज़ है। और ये देखिए सॉरी ये गुलाब जामुन का डब्बा, इसका जो गुलाब जामुन है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, सही बता रही हूँ ये गुलाब जामुन। और अभी मैंने सिर्फ आलू बॉयल किए हैं, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और ये देखिए मैंने हरे वो जो मटर होते हैं छोले वाले उसे मैंने यहाँ पे भिगो दिया है, अब देखती हूँ ये छोले आज बनते हैं या कल। अगर मैं बनाऊँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बनाते हुए, इसकी रेसिपी नहीं इसलिए कि वो तो खैर मतलब कि आप लोग कितनी बार देखे होंगे इसीलिए। और अभी मैं थोड़ी सी चाय बना के पीऊँगी, मेरा मन हो रहा है, बट अभी नहीं क्योंकि मैंने पपीते काट के खा लिए हैं और आदि चला गया है नीचे खाने सॉरी खेलने के लिए। तो बस यही सब था और फिर मैं अभी आपसे और बातें करती हूँ शांति से बैठ कर। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे थे, वो आलू बॉयल हो गया है और उसकी सीटी भी मुझे लग रहा है कि शायद अब निकल ही गई होगी, सॉरी मैंने चेक नहीं किया। तो अभी मैं जाऊंगी उसे छील लूंगी और मैं सोच रही हूँ ना कि मैं क्या बनाऊँ, सच बताऊँ बिल्कुल मेरा भी दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि आलू मैंने बॉयल किए हैं तो उसके तो मतलब कि पापड़ी भी बन सकती है, बट पापड़ी तो मैंने कल ही बनाया था, और नहीं तो फिर पाव भाजी के लिए जो बोंडा बनाना होता है सॉरी बड़ा पाव के लिए जो बोंडा बनाना होता है आलू का वो भी बन सकता है, वरना फिर वो जो मैंने मटर भिगोए हैं पानी में उसके छोले भी बन सकते हैं, उसमें भी आलू मैं डालती ही डालती हूँ। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ, अभी मैंने सोचा नहीं है। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि मैं ना दो दिन से वीडियो कोई अपलोड नहीं कर रही हूँ, सॉरी इसके लिए, क्योंकि वो मेरा मूड बिल्कुल थोड़ा अपसेट था, सही बता रही हूँ। क्योंकि जैसे कि आप कोई काम करते हो बहुत दिल लगा के करते हो, ठीक है, और हम कोई भी काम क्यों करते हैं, ताकि उसमें हमें सफलता मिली,
हर कोई मतलब काम करता है इसीलिए ताकि उसमें वो सफल हो सके। और अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है तो मतलब कि बहुत सारे लोग तो इसमें हार जाते हैं, छोड़ देते हैं। खैर किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए कि हम भी इंसान हैं और हम मेहनत करते हैं और उसका फल ना मिले तो फिर बहुत दुख होता है। तो सच बताऊँ तो मेरा वीडियो बनाने का मन इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं आपसे दिल की बात बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर हो और अगर आप लोग मतलब कि पुराने मेरे व्यूवर्स हों तो आप मुझे जानते ही होंगे, और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो आप प्लीज़ मेरे पहले की सारी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मेरी सारी वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी और भी वीडियो आप देख पाओ। और हाँ गाइज, जो मैं बता रही थी अपने वो काम के बारे में, तो मैं बता रही हूँ गाइज कि इसलिए मैं 2 दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी कि मैं ना बहुत ज़्यादा अपसेट थी, इसलिए कि देखिए सच बताऊँ तो एक अकेली औरत जिसे मतलब कि बच्चा भी देखना होता है, घर का भी काम, बाहर का भी काम, और सच बताऊँ तो रिलेटिव्स तो बहुत रिलेटिव्स हैं, बट वो बोलते हैं ना कि कोई हेल्प करने वाला रिलेटिव्स आपका नहीं है। अगर आप कोई पार्टी मना रहे हो, फंक्शन मना रहे हो, खुश हो, सभी को बुला रहे हो, तब देखो बहुत सारे आपके रिलेटिव्स आ जाएंगे, या फिर उन्हें अगर आपकी ज़रूरत है तब देखिए वो सारे लोग कैसे आपका यूज कर लेते हैं। बट आपकी अगर ज़रूरत होती है तो कोई नहीं आता, कोई नहीं, मतलब कि ये सभी के साथ होता है, मैं ये जानती हूँ। और अगर आपके रिलेटिव्स ऐसे नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत लकी पर्सन हो, और बाकी जिसके रिलेटिव्स ऐसे हैं वो तो खैर मतलब कि मेरी तरह हैं, बिल्कुल बैड लक। खैर भगवान ना करे कि किसी की ज़रूरत पड़े। तो गाइज मुझे सारा कुछ देखना होता है, उसके साथ मेरा यूट्यूब का काम होता है वो भी देखना होता है। बट मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसके 7 महीने हो गए, मैंने 7 महीने से ये चैनल स्टार्ट करके रखा हुआ है, और मैं हमेशा लगभग सोचती हूँ कि डेली ही वीडियो डाल दूँ, बट स्टार्टिंग में तो नहीं डाल पाती थी, सॉरी, इसलिए कि उतना मुझे नहीं इसके बारे में पता था, चाहे मैं नहीं कर पा रही थी कोई भी काम, स्टार्ट करने से थोड़ी तो प्रॉब्लम होती ही होती है, इसलिए कि हम लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, और जब करने लगते हैं तो आदमी डालने लगता है। और सच बताऊँ तो मैंने 7 महीने में इतने वीडियो डाले, मैं इसके लिए इतनी मेहनत की हूँ कि मैं आपसे क्या बताऊँ, सही बता रही हूँ। ये वही लोग एग्री करेंगे जो लोग यूट्यूब पे हैं, इसलिए कि उन्हें पता है कि यूट्यूब पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि घर का भी काम होता है, फिर यूट्यूब के कंटेंट के लिए आप वीडियो शूट करो, उस कंटेंट के हिसाब से आपको वीडियो बनानी होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है, और फिर सारी वीडियो एडिटिंग करना, अपलोड करना, उसमें कितना नेट जाता है, कभी नेट नहीं चलता है तो उसके लिए रात में जागो, सुबह में जागो, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होता है। तो ये सब प्रॉब्लम है गाइस, तो इसकी वजह से तो मैं इसलिए थोड़ी निराश हो गई थी कि 7 महीने इतने ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, सही बता रही हूँ, ना ही मैं सब्सक्राइबर गेन कर पा रही हूँ, ना ही मेरे व्यू बढ़ रहे हैं, बहुत ही ख़राब स्थिति चल रही है, सही बता रही हूँ, बहुत ही ख़राब स्थिति। और सच बताऊँ तो बहुत सारे लोग इसका मजाक भी बनाएंगे, सही बात है, मजाक तो बनाएंगे ही, इसलिए कि देखिए अगर आप सक्सेस होते हो तब लोग तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं हो पाते हो तब तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं ये बोलने के लिए कि तुमने तो ये काम स्टार्ट किया था बट तुम तो इसमें फेल हो गई हो। तो खैर मुझे लोगों की कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए कि मैंने लोगों के लिए काम शुरू नहीं किया है, ये मैंने खुद के लिए किया है। बट थोड़ा सा मैं निराश इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं गेन हो पा रहे हैं, व्यूअर्स भी नहीं आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई काम शुरू किया है, उस पर बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, जी जान लगा रहे हो, और वो वीडियो चल नहीं पा रही है, या फिर आपने जिस टारगेट को लेकर वो काम आपने शुरू किया है और वो आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो मन तो थोड़ा पीछे हो ही जाता है। आप लोग ज़रूर एग्री करोगे मेरे से, अगर आप दिल से मेरी इन सारी बातों को सोचोगे तब, इसलिए कि वो बोलते हैं ना कि
दिल की जो आवाज़ होती है वो एकदम बिल्कुल दिल के पास ही चली जाती है, और ख़ासकर किसी औरत के लिए तो कोई भी चीज़ करना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अभी भी भले हमारा समाज बहुत आगे चला गया है, बट फिर भी औरतों को तो नीचे नज़र से देखा ही जाता है। अगर कोई लड़का सक्सेस किसी चीज़ में नहीं हो पाता है तो लोग बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, अभी तो बहुत आगे है, तुम ये कर सकते हो, वो सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन अगर कोई लेडीज़ कोई काम शुरू करती है और वो उसमें फेल हो जाती है, तब तो लोग बहुत बातें बनाते हैं कि वाह तुमने तो बहुत काम शुरू किया था, तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा सुनने ये अच्छा सुनो तुमने ये काम शुरू किया था, अच्छा नहीं चला, ओ अरे छोड़ो यार, हम औरतों के लिए वही ठीक है, खाना वाना बनाओ, घर में रहो, क्या काम शुरू करना, हमारी तो बस ज़िंदगी यही है। तो बस यही होता है गाइज। लेकिन मैं अपनी वीडियो बंद नहीं करूँगी और ना ही अपनी चैनल को बंद करूँगी, चाहे कुछ हो जाए, मैंने भी सोच के रखा है। हाँ मैं भी इंसान हूँ, थोड़ी सी डिमोटिवेट हो जाती हूँ अगर मतलब कि व्यूअर्स नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते हैं तो। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करोगे, बिल्कुल। हो सकता है कि मेरी वीडियो में कहीं कमी हो रही है, लेकिन मेन बात है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी वीडियो में कहाँ कमी है कहाँ नहीं, मैं किस चीज़ का कंटेंट बनाऊँ जो आप लोग को पसंद आए। तो इसके लिए तो आप लोग को मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी, और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके आपको बताना ही होगा कि मैं किस कंटेंट पे वीडियो बनाऊँ जो आप लोगों को पसंद आए। तो इसके लिए प्लीज आप लोग कमेंट्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी गाइज। इसलिए कि मैंने ये काम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए शुरू किया है, और जब मेरी वीडियो आप लोग ही नहीं देखोगे तो फिर क्या फ़ायदा मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। एक इंसानियत के नाते, अगर आप लेडीज़ हैं तो एक औरत के नाते प्लीज़। और ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी कि सारे जेंट्स गलत हैं, नहीं, मेरे हस्बैंड हैं जो कि औरत को बढ़ावा देने पे बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और सच बताऊँ तो वो तो बहुत बोलते हैं कि नहीं औरतों को तो ज़रूर कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, वो कभी नहीं पीछे होते हैं। तो बस गाइज, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है, मैं ज़रूर उस कंटेंट पे वीडियो बनाऊंगी। और बस अपनी मैं वीडियो आज की यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नहीं तो आप लोग फिर बोर हो जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट रेसिपी, नेक्स्ट ब्यूटी, नेक्स्ट ड्रेसिंग सेंस और हॉल, कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में। तो बस मेरी वीडियो के साथ अटैच रहिए, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।